हेलो फ्रेंड्स, आप जी का साडे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अज की वीडियो के असी डिस्कस करा, काफ़ी बच्चों प्रॉब्लम आ रही है कि जो PEE BBC की फीस पे करते पेने डिफरेंट पोस्टा वास्ते, बेशक वो क्लैरिकल की है, क्लर्क IT है या क्लर्क अकाउंट्स की है। जिदा सामने मैं एग्जाम्पल शो कर देना, 17, 18, 19 काफ़ी बच्चों प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो ऑप्शन शो ही नहीं हों पाया, बट हूँ ऑप्शन शो हों पाया। फीस वगैरह किमें पे करनी है पूरा मैं तुम्हें प्रोसैस एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इनकलूडिंग मैं तुम दसूँगा अगर ताकि फीस फेलीयर होगी वह सल्यूशन, प्लस अगर तुम फीस पे कर दी है ढेर को कोई नोटिफिकेशन नहीं आता फिर भी तुम चैक करना ढेर फीस पे हुई है या नहीं हुई है और तुम किमें चैक करना, तो लास्ट विच आफ्टर पेइंग फीस तुम अगला स्टैप की करना है। ये सारे मैं प्रोसैस तुम इस वीडियो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सब तो पहले आप देख लें किमें तुम फीस पे करनी है। वैबसाइट पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन से जाके, ठीक है जी, जी पोस्ट वास्ते अप्लाई किया होर क्लिक कर देना, क्लिक करके तुम नीचे जाना है, लॉगिन करना है, ठीक है जी। जब तुम लॉगिन करोगे जी इतने ID तुम उन्होंने वालों मिली सी जो तुम फॉर्म फिल किया, इतने ID फिल करनी है, ठीक है जी। आ है डिफरेंट ID जिन्हें बच्चों की मैं यूज़ की हुई है, मैं एक बच्चा इतने लॉगिन कर लेना, ठीक है जी। एक बार बैक आके आप कॉपी कर लेना, मैं क्योंकि अगर फीस वगैरह पे करनी है वो यूज़ होनी है, मैं इतने लॉगिन कर लेना। लॉगिन करके आ देखो जी बच्चे की फीस 250 है, इतने मैं क्लिक कर देना, क्लिक करके साडा नैक्सट, ठीक है जी, टर्म्स का फेज आऊगा, SBI कलैक्ट का पेज आऊगा, तुसी इंस्ट्रक्शनस नूं यस करके नैक्सट कर देना। इतने इन्हां दी जिहड़ी पोस्ट है वह है क्लर्क की, जी इन्होंने फिल की हुई है, मैं इन्हां दी फीस पे करन लगा है। सब तो पहले तुसी एप्लीकेशन नंबर फिल करना इन्हां दा, कैंडीडेट का, उस तो बाद जिहड़ी डेट ऑफ बर्थ है वह तुसी फिल करनी है, ठीक है जी। उस तो बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, डेट ऑफ बर्थ के दोनों फॉर्मेट ट्राई करके देखियो, ये भी ट्राई करके देखियो जिहड़ा मैं फिल करता पिया, दूसरा भी ट्राई करके देखियो विदाउट स्लैश, आ करके तुम सबमिट पर क्लिक कर देना है। आ देख सकते हो जब मैं सबमिट पर क्लिक किया, मेरा जो नैक्सट पेज है वो तुहाडे सामने पेमेंट का आ गया, ठीक है जी। इतने उपर मैसेज आना शो पेमेंट डिटेल्स, दैट मीनस कि अगला साडा पेज जिहड़ा है वो पेमेंट का आ गया, ठीक है। हुण इतने बच्चे जी फीस है 250 रुपया फीस है, मैं तुम्हें शो कर दिना, ठीक है जी। आ देखो 250 रुपया फीस है, इतने हुण मैं डिटेल फिल करना बच्चे की, कोई तुम्हें प्रॉब्लम आती है मैं ना इस नंबर पर तुम गलबात कर सकते हो, जो नंबर मैं देने लगा तुम्हें, ठीक है जी, व्हाट्सएप नंबर है। इतने तुम देखो उपर का बच्चे की डिटेल रहेगी, थले अपनी डिटेल भर सकते हो जड़े थ्रू तुम पेमेंट करते पे हो, इतने तुम मत चूज़ कर लेना, डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। उस तो बाद इतने तुम मेल ID यूज़ करनी अपनी, ठीक है जी। मेल ID यूज़ करके इतने तुम कैप्चा जो दिता हुआ वो यूज़ करना है, ठीक है। सबमिट पर क्लिक कर देना, आफ्टर सबमिशन तुहाडा नैक्सट पेज आऊगा, ठीक है, जिहदे विच बच्चे की सारी डिटेल दसी होगी, ठीक है। उहदे विच नीचे तुम कन्फर्म करना, ठीक है जी। ये सारी डिटेल शो होने तो बाद उस तो सब तो नीचे एक मैसेज आना कन्फर्म का, ठीक है जी। इतने आप देख सकते टोटल फीस इन्नी है, कन्फर्म मैं करना है। उस तो बाद जिहड़ा भी तुम मोड यूज़ करना है पेमेंट का, देखो पूरी प्रोसैस मैं तुम्हें विद प्रूफ दसदा पाँ, ठीक है, किदा तुम पे करनी है। कईयों का ऑप्शन उत्थे एरर आता है, प्लीज़ वेरीफाई द डाटा एंड ट्राई अगेन, वो वैबसाइट का एरर है, काफ़ी टाइम बाद सॉल्व होंदा, नियर अबाउट कई बार एक दिन लग जाता है, कई बार घंटे अंदर ही हो जाता है, कई बार थोड़ा घट वा टाइम लगता है। सो तुसी कन्फर्म पर क्लिक करना, कन्फर्म पर क्लिक करने तो बाद इन्हां दे जिहड़े पेमेंट गेटवेज है उहदे लिंक्स आओगे, तुसी केड़ा गेटवे यूज़ करना, मीन टू से कि मोड तुसी केड़ा यूज़ करना, UPI कोड का यूज़ ना करे, UPI मीनस Paytm, फोनपे, गूगल पे, इन्हां दे थ्रू पेमेंट काफ़ी फसदी पईआं बच्चों दी। जिन्ने बच्चों ने अगर मैनू 1000 बच्चे ने कॉन्टैक्ट किया, उन्हां विचों 900 बच्चों की पेमेंट फसी हुई है, ठीक है। वह भी नहीं कि हाँ बच्चे को कोई रिस्पोंस आया, बोर्ड का कोई रिस्पोंस नहीं, कोई मेल का रिस्पोंस नहीं, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही प्रैफर करूँगा तुम अदर बैंक के डेबिट कार्ड का यूज़ करो, इतने तुम क्लिक कर लेना, क्लिक करके नैक्सट पेमेंट पेज आऊगा जिद भी तुम अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करनी है। तुम कोई भी डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी, जिहड़ा भी तुम बैंक का ढा अकाउंट है, लाइक स्टेट बैंक हो गया, SDFC, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, प्लस ICICI प्लस SDFC, ये थोड़े अच्छे बैंक है, इन्होंने थ्रू पेमेंट वगैरह फसदियाँ नहीं है, वैसे ऑल ओवर बाकी बैंक भी ठीक है। तो बाकी तुम क्लिक खेड़ते क्लिक करके नैक्सट तुहाडा पेमेंट पेज आऊगा, उत्ते तुम क्लिक करना, देखो जी ये आ गया 250 रुपया फीस है, बच्चे का DUE नंबर है, इतने तुम पहले कार्ड कि यूज़ करना वो मैं कार्ड चूज़ कर लिया, कार्ड का CVV नंबर यूज़ कर लिया। उस तो बाद आप इतें, ठीक है जी, बच्चे का
सी नाम वगैरह चूज कर लिया। देखो इतने डेबिट कार्ड जरूरी नहीं, तुसी उसे बंदे यूज करना जेडे मर्जी बच्चे का अपने कुलीग का किसी का भी डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। डेबिट कार्ड मीन टू से एटीएम कार्ड, डिटेल भर के तुसी पे फी ते क्लिक कर देना। ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਡੀ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਓ ਟੀ ਪੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓ ਟੀ ਪੀ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਓ ਟੀ ਪੀ ਫਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਈ ਚਲਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀ 250 ਰੁਪਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਈ ਰਿਸਿਪਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦਾ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਵਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਗੇਨ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਕੁਲੈਕਟ ਦਾ ਪੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਯੂ ਈ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਡੀ ਯੂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕੁਲੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਯੂ ਈ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਫੀਸ ਦੀ, ਕਿ ਫੀਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਉਹਦੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24 to 48 hours ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਫੋਰ ਫਿਊਚਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਦ ਪਰੂਫ ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ UPI ਕੋਡਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਜਾਂ ਅਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੈਨ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਫੋਰ ਫਿਊਚਰ ਅਪਡੇਟਸ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਫੋਰ ਯੂਰ ਅਵੇਲੇਬਲ